हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग अपने M1R5 की 5 मॉडल पेपर यहां पे कंप्लीट कर चुके हैं अपनी मैराथन क्लास में, और आज का दिन हमारे मैराथन क्लास का आखिरी दिन है, जिसमें मैं आपको लास्ट मॉडल पेपर और बताने वाला हूं, जो कि हमारा रात के 9 बजे की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को मॉडल पेपर नंबर 6 कराऊंगा, और इसी के साथ आज हमारी M1R5 की मैराथन क्लास भी समाप्त हो जाएगी, और कल आप लोग का एग्जाम है, इसलिए आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस। ओके, तो अभी हम लोग M1R5 का जो हमारा लास्ट मॉडल पेपर रह गया वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक्स मिल जाएंगी। दूसरी बात क्या है कि आप लोगों को मैंने 2 बजे की क्लास जिसने नहीं देखी थी, तो मैंने उसमें एक्सपे बताया था आप लोगों को कि आप लोगों को कुछ मटेरियल हमारी वेबसाइट careersknowledge.in पे भी मिल जाएगा, तो मैंने 2 बजे वाली क्लास में बताया था, पूरा विजिट करना, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और सिंपल सा ओ लेवल पे ही क्लिक करना है, careersknowledge.in पे आने के बाद ओ लेवल पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं, स्क्रॉल करते हुए आना है, और आने के बाद जो भी हमारा लास्ट वाले जो हमारे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स पड़े हुए हैं, ये तो सारे टॉपिक्स हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोग एग्जाम के लिए। तो 2 बजे वाली जो क्लास हुई थी आज हमारी अपलोड, उसमें हमने सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और जो लोग भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैराथन क्लास की थी वो कंटिन्यू 3 दिन से लगातार चल रही है। जिन्होंने अभी तक 3 दिन की लगातार क्लासे नहीं देखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। ओके, नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी भी लिंक दे दूंगा आप लोग, वो भी कंटिन्यू आप पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 कंप्लीट मैं उसमें दे दूंगा, आप लोग कंप्लीट भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारी ये लास्ट है, बाकी कल आपका एग्जाम है, तो आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, और जो हमारी लास्ट क्लास रहेगी वो हमारी मॉडल 6 रहने वाली, हमारी लास्ट क्लास अभी मॉडल नंबर 5 आप लोगों को मिल गया होगा मॉर्निंग की, जो मैंने एक तो हमने आज मॉर्निंग में 11 बजे आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराई थी, और दूसरा हम लोगों ने आप लोगों को मॉर्निंग में आफ्टरनून में मैंने आप लोगों को 2 बजे भी क्लास दी हुई थी। ठीक है, तो ओवरऑल आज आपकी 3 क्लासें आई हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं आपको रात में क्लास नहीं दे पाया था, इस वजह से आज हमारी 11 बजे, 2 बजे और ये आपको 9 बजे की क्लास मिल रही है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडल पेपर नंबर 6, लेकिन इसमें हमारे 50 क्वेश्चंस हैं मॉडल पेपर नंबर 6 में। ठीक है, और काफी अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं वीडियो, जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोगों को इजी वे में पूरा ओ लेवल यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्लास में मॉडल पेपर नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिप बोर्ड इन द डेस डॉक्यूमेंट बींग एडिटेड प्रेस द फॉलोइंग। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, एक तरह से हमसे क्या बोला गया है कि हम लोगों को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है ये पूछा गया है, तो आंसर रहेगा हमारा Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, कौन सा हमारा इनपुट डिवाइस है। देखिए, स्क्रीन, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर, तो आप लोगों को पता है कि हमारा कीबोर्ड क्या है, हमारा यहाँ पर इनपुट डिवाइस रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट द फाइल क्रिएटेड इन पेंट। ठीक है, तो जो पेंट का फाइल एक्सटेंशन होता है वो हमारा क्या होता है, BMP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OTP स्टैंड्स फॉर, ठीक है, OTP का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो OTP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, 1-time password, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, OTP का 1-time password। ओके, तो देखिए, एक 1-time password भी होता है, दूसरा क्या हो सकता है, 1-time pin भी आपसे आ सकता है, तो अगर 1-time password आए तो उस पर लगाना, और मे भी हो सकता है इसके प्लेस पे 1-time pin भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CC इन ईमेल स्टैंड्स फॉर, ठीक है, CC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है ईमेल के टर्म में, तो ईमेल के टर्म में जो CC का फुल फॉर्म होता है वो होता है कार्बन कॉपी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन कॉपी, BCC का क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग हेल्प यू वुड क्लिक ऑन, ठीक है, किस पर हम लोग क्लिक करेंगे अगर हमें ऑफिस में हेल्प लेना है, एमएस ऑफिस में F1, जैसे कि ये एमएस ऑफिस, ये मैं F1 प्रेस करूंगा, इमीडिएटली हमारे पास हेल्प वाला विंडो ओपन हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ IPv4 इज, ठीक है, IPv4 का यहाँ पे साइज पूछा जा रहा है, जो कि हमारा होता है 32 bit। ओके, अगर हमसे IPv6 का पूछा जाएगा तो हमारा होता है 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल टू सेंड अ लेटर टू मेनी रिसिपिएंट, ठीक है, किसके द्वारा हम लोग ये कर सकते हैं, तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या होता है, हमारा मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्विटर इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ट्विटर किसका एग्जाम्पल है, ट्विटर हमारा ईमेल का है, दूसरा सिस्टम एप्लीकेशन का है, सोशल नेटवर्किंग का है, या वेब URL का है, तो वो रहेगा हमारा सोशल नेटवर्किंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, तो देखिए बताने जरूरत नहीं है, सुपर कंप्यूटर होता है, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस कैलसी सिंबल अपियर विद द फॉर्मुला एरर, ठीक है, तो आपको पता है जब भी हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, सेल छोटा होता है, तो हमें किस फॉर्मुला एरर में क्या मिलता है, हैश का सिंबल मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक आर द बैंकिंग करस्पॉन्ड इंगेज बाय, तो वो होता है मित्र। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे डैश रहेगा, ठीक है, बैंक डैश आर द, इस तरह से रहेगा, बैंक डैश आर द बैंक करस्पॉन्डेंट। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो देखिए मिनिमम कितना होता है इम्प्रेस में, 5% होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 3000। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेक्स सेजा, तो लाइनेक्स क्या है, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग है। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, लाइनेक्स इज अ मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग है, पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है, मल्टी यूजर या मल्टी टास्किंग है, सिंगल यूजर या मल्टी टास्किंग है, मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग है, या फिर सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है, तो क्या रहेगा, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग हमारा आंसर रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द डिफॉल्ट नेम ऑफ अ इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज, ठीक है, इम्प्रेस का डिफॉल्ट क्या होता है हमारा, अनटाइटल्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आधार इज अ, तो आधार कितने डिजिट का नंबर होता है हमारा, 12 डिजिट नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मोबाइल वॉलेट परमिट टू कैश विड्रॉल, ओपन वॉलेट, सेमी वॉलेट और सेमी क्लोज्ड वॉलेट या नन, तो देखिए कौन सा वॉलेट रहेगा हमारा, वो हमारा कहलाता है ओपन वॉलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्सनल लॉक्स एंड जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज, ठीक है, तो किस पे होता है हमारा, ब्लॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर क्रिएटेड बाय, तो ट्विटर किसने बनाया था, जैक डोर्से, नोगला, विजिस्टोर एंड इवन विलियम, ठीक है, चारों का इसमें, चारों ने मिलकर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्वा यूजर इंटरफेस वर अपियर्ड विथ, ठीक है, तो किसमें आंसर रहेगा इसमें हमारा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूपीआई स्टैंड्स फॉर, ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, यूनिफाइड पेमेंट सर्विस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट अंडरफाइड, तो आंसर क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉकचेन इज अ, तो ब्लॉकचेन क्या है हमारा, ये पूछा जा रहा है, तो पहला स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफिक डेटाबेस है, स्पेसिफिक टेबल है या स्पेसिफिक व्यू है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, स्पेसिफिक डेटाबेस है हमारा, ब्लॉकचेन। ओके, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, और अब तो आपकी काफी अच्छी तैयारी भी हो गई है, और काफी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए, और कल आपका एग्जाम है, इसलिए मैं फिर से आप लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, आप लोगों को सारा इसी में से एग्जाम आए, और आप लोग बहुत अच्छा सा अच्छा एग्जाम करके आए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन, अ लेजर प्रिंटर यूजेस, ठीक है, लेजर प्रिंटर क्या यूजेस करते हैं हमारे, तो फोटो सेंसिटिव कैमरा लेंस, हीट टेप दिस, तो आंसर क्या होगा, फोटो सेंसिटिव ड्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि डैश इज एन इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट, ठीक है, डैश इज नॉट एन इंटरनेट, ठीक है, सॉरी नॉट यहाँ पे लगा हुआ है, डैश इज नॉट एन इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूडेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज प्लानिंग बोथ ए एंड बी या नन, तो आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी, नॉलेज और प्लानिंग दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेब सर्फिंग, वेब सर्फिंग मतलब पूछ रहा है वेब को, इंटरनेट को चलाना, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब होता है, सेंडिंग ईमेल होता है, या फिर एक्सप्लोरिंग वेब होता है, आंसर रहेगा वेब में सर्च करना, मतलब एक्सप्लोरिंग द वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन, ठीक है, कौन पेज ओरिएंटेशन का टाइप है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, बोथ ए एंड बी या स्लाइड, तो आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है ये बताया जा रहा है, तो सर्च इंजन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड साइड, नो ऐसा कुछ भी नहीं है, सर्च इंजन है फिक्स्ड, ऐसा भी नहीं है, सर्च इंजन और वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल गलत है, सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब, बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेनिफिट ऑफ ईमेल्स आर फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, स्पीड कीपिंग, तो आंसर क्या रहेगा, ऑल सभी बेनिफिट हमारे इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीसीसी स्टैंड्स फॉर, ठीक है, यही अभी हमसे पूछा जाए, मैंने आपको यही बताया, तो अभी हमारा क्वेश्चन भी आ गया, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूजर इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू अ सेट ऑफ कमांड यूजर स्टिक्स, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो स्कैनर, और लास्ट है हमारा ऑल ऑफ द अबव, तो यूजर किस तरह से इंटरेक्ट होता है, इस तरह ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें हमारा, अभी हमारा एक क्वेश्चन रह गया है 31 नंबर का, ई रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिजर्वेशन फॉर, ठीक है, किसके लिए रिजर्वेशन होता है, ई टिकट को, ई टिकट हो सकता है, बिल्कुल सही है, होटल रूम्स के लिए कर सकते हैं हम लोग, टूरिस्ट पैकेज के लिए कर सकते हैं, तो आंसर आप लोग समझ गए होगा क्या रहेगा इसमें, ऑल सभी के लिए हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का यूजर इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू अ सेट ऑफ व्हाट कमांड्स यूजर स्टिक्स स्कैनर या ऑल, आंसर क्या रहेगा इसमें, वन मिनट, यूजर किस तरह से करता है, कमांडो के द्वारा करता है। नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि स्कैनर का कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंग गुड्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर ऑनलाइन इज कॉल्ड, ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ई शॉपिंग हम लोग इसको बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज अ बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट, लो कॉस्ट है, ठीक है, फास्टर स्पीड है, ये बिल्कुल सही है, मोर सिक्योर है, ये भी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना यानी APY प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द सेक्टर, ठीक है, किस में होता है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम, कैसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क से कर सकते हैं, नेटवर्क से कर सकते हैं, रिमोट इंस्टॉलेशन है, आंसर क्या रहेगा, ऑल, सभी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन गोल ऑफ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन गोल क्या है, टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, नॉट इम्प्लीमेंटेड ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, टू क्रिएट नॉन एक्सपर्ट, तो आंसर पहला सही है, टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टू बेसिक पार्ट ऑफ URL आर प्रोटोकॉल एंड, तो वो पूरा पहला तो प्रोटोकॉल है, दूसरा क्या है हमारा, तो वो रहेगा डोमेन नेम, जैसे कि अभी आप लोग जो हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in, तो यहाँ पे ये तो एक तो हमारा प्रोटोकॉल हो गया जो HTTP है, इसके बाद ये क्या होता है careersknowledge.in, ये हमारा डोमेन कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ प्राइवेट की, ठीक है, तो प्राइवेट की हमारा क्या होता है, अ की योर की चेन, नो अ की गिवन टू द पब्लिक, नो अ की नॉट गिवन टू द पब्लिक, ठीक है, तो आंसर हमारा सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT इज एन एडवांस ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स सिस्टम विच डील्स विथ नेटवर्किंग, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, सेंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें डैश इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, तो सबसे मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जा सकता है, पढ़ के जाइएगा, तो मैक्सिमम कितना होता है 96। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम कैरेक्टर इन वन सेल स्प्रेड शीट, ठीक है, तो एक सेल में स्प्रेड शीट में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, वो होते हैं 32767, ठीक है, 32767। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाइज अ सेल इन कैलसी, ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, सेल एड्रेस से, जैसे B2+C2+D2, उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट एंटायर रो, ठीक है, गलत प्रिंट हो गया यहाँ पे, रॉय आएगा, ठीक है, सॉरी रॉय यहाँ पे प्रिंट हो गया, रो आएगा इन लिब्रे ऑफिस कैलसी, तो कह रहा है कि हमें एंटायर रो को सिलेक्ट करना है, तो रो को, पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ओके, और कॉलम के बारे में पूछेंगे तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, जो कि लास्ट क्लास में क्वेश्चन आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैव टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट वाया ह्यूमन, तो उसको हम लोग किसका एग्जाम्पल रहता है हमारा, मशीन टू मशीन का कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैलसी, ठीक है, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ B1+B2, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है B1+B2, एक्चुअली ये 8 है, यहाँ पे आएगा B1+B2 इस तरह से, ठीक है, तो वो सिंपल सा एक पूछ रहे हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, तो आप लोग पता है किस तरह से लिखते हैं, इक्वल टू B1+B2, सिंपल सा रहता है इसमें तो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मनी यू कैन ट्रांसफर थ्रू UPI, तो देखिए UPI के थ्रू हम लोग कितना भेज सकते हैं, 1,00,000 रुपए भेज सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, तो कौन सा होते हैं शॉर्टकट की हमारे, Shift+11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एंटीवायरस, तो एंटीवायरस के बेनिफिट्स क्या है हमारा, इट इंक्रीज द रैम ऑफ मेमोरी, नो, इट इन प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, बिल्कुल सही है, बी वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो मॉडल पेपर नंबर 6 था, इसमें हमारे 50 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग करा दिए हैं, और ओवरऑल अब हमारी मैराथन कंप्लीट हुई है, जिसमें हम लोगों ने 3 दिन लगातार क्लासेस की है, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन दे सकूं, ठीक है ना, वेबसाइट पर भी बहुत कुछ मटेरियल है, तो आप लोग को, जिन लोगों को भी पूरी वीडियो देखिए, पूरी क्लासेस देखिए, 101% उनको पास होना ही है, ठीक है, और मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ में है, आप लोग जल्द जो भी पेपर करें बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के करिएगा, ठीक है ना, अचानक से हमें आंसर नहीं लगा देना है, पहले हमें हर एक ऑप्शन को पढ़ना है, ओके, जैसे इसमें कहता है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एंटीवायरस, ठीक है, तो जैसे कि प्रोटेक्ट करता है एक तो हमें माइंड में आता है, लेकिन ऑप्शन भी पढ़ना है, फिर अच्छे से OMR शीट पे हमें उस सर्कल को फिल करना है, ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो आज हमारी मैराथन कंप्लीट हुई है, अब हमारी क्लासेस, और मैं हाँ एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम जो होने वाले हैं, इसकी भी मैं कुछ तैयारी आप लोगों को इस चैनल पे कराऊंगा, ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अब मैं जो तैयारी कराने वाला हूँ आपकी, इसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद मैं आपकी प्रैक्टिकल की भी तैयारी यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी पहली बार आए, और हमारे व्यूअर्स जो देखते हैं वो वीडियो को लाइक करिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।